देवरिया जनपद पुलिस ने किया 32 लाख की संपत्ति का कुर्की। आपको बता दें, थाना बगौच घाट में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त क्यामुद्दीन स्वर्गीय सहायक मोतीपुर थाना बगौच घाट जनपद देवरिया द्वारा आपराधिक गतिविधि अर्जित धन से ग्राम मोतीपुर स्थित अपने पैतृक गांव में वो अपने मकान बनाए थे। वहीं जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश पर उसे आज कुर्की कर दिया गया, नोटिस भी चिपका कर दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी पहुंचकर इस आज कुर्की किए और वहां पर नोटिस भी जारी कर दिया। ये सुनते ही इस संबंध में अधिकारियों का क्या कहना है? सभी ग्रामवासियों ध्यान पूर्वक सुनो, आज दिनांक 28 अगस्त 2022 दिन रविवार को मुकदमा अपराध संख्या 113 बटा 22 धारा 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना बघौच घाट जनपद देवरिया के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट देवरिया न्यायालय के वाद संख्या 1269 बटा 22 बनाम कयामुद्दीन पुत्र स्वर्गीय इसहाक निवासी ग्राम मोतीपुर थाना बघौच घाट जनपद देवरिया द्वारा अपराध कार्य के उससे अर्जित धन से ग्राम मोतीपुर स्थित पैतृक भूमि गाटा संख्या 159 रकबा 109 एयर में से 27 एयर पर अभियुक्त कयामुद्दीन द्वारा विशाल 2 मंजिला मकान बनवाया जा रहा है, जिसकी कीमत कुल 32 लाख रुपए आकी गई है। उक्त मकान को जिला मजिस्ट्रेट जनपद देवरिया के आदेश संख्या 1779/4/2022 दिनांक 23 अगस्त 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अधीन आज 28 अगस्त को कुर्क किया जाता है।